16 साल बाद एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने खुद को फिर से गंगा किनारे पाया। उन्हें अपनी पत्नी और उस आठवीं संतान की कमी महसूस होती थी। तभी किसी युद्ध जैसी आवाज से शांतनु का ध्यान बटा। उन्होंने देखा कि एक युवा धनुर्धर अपने तीरों की झड़ी लगाकर प्रबल गंगा को भेद रहा था। शांतनु ने कभी किसी में ऐसी कुशलता और साहस नहीं देखा था। तभी वहां गंगा प्रकट हुई और शांतनु की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जब उन्हें बताया गया कि ये कांतिमान बालक कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी बिछड़ी हुई संतान थी, देवव्रत। अपने लौटने से पहले गंगा ने शांतनु को बताया कि देवव्रत ने युद्ध कला किसी और से नहीं बल्कि परम योद्धा ऋषि परशुराम से सीखी है और ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों का ज्ञान सीखा है। राजा शांतनु देवव्रत को लेकर अपने राज्य हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर के लोगों की खुशियों का ठिकाना ना रहा। उन्हें अपने होने वाले राजा बहुत पसंद आए। समय हमेशा की तरह बीतने लगा। कुछ ही समय बाद शांतनु को फिर से प्रेम हो गया। वो एक मछुआरे की बेटी से दिल हार गए जिसका नाम था सत्यवती और उससे शादी करने को कहा, पर सत्यवती ने शांतनु को शादी के लिए मना कर दिया। हालांकि वो एक राजा थे पर सत्यवती के पिता को विश्वास था कि भले ही सत्यवती एक रानी बन जाएगी पर उसके पुत्र कभी राजा नहीं बन सकेंगे और सिर्फ राजा शांतनु के पहले पुत्र देवव्रत की संतानों के सहायक बनकर रह जाएंगे। शांतनु अपने पहले पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार उससे नहीं छीन सकते थे और इसीलिए वो अकेले घर आ गए। उनका दिल एक बार फिर टूट चुका था। राजमहल में उनका दुख किसी से छुपा नहीं था। उन्होंने लोगों से मिलना छोड़ दिया और एक राजा के कर्तव्यों को भूलने लगे। राजकुमार देवव्रत ने इस बात पर ध्यान दिया। वो अपने पिता को इस तरह कष्ट में नहीं देख सकते थे। उन्होंने तय किया कि वो मछुआरे और उनकी बेटी से खुद मिलने जाएंगे। अगले हफ्ते एपिफाइड में देखिए एक कड़ी प्रतिज्ञा जिसने धरती आकाश को हिला दिया। शांतनु ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। गंगा ने हामी भर दी पर राजा से ये वादा भी लिया कि वो उनके किसी निर्णय पर कभी कोई सवाल नहीं करेंगे।